सरकार देश में चल रही कई तरह की सोशल सिक्योरिटी योजनाओं और इन्वेस्टमेंट टूल्स को जरूरत के हिसाब से नए रूप में ढालने की तैयारी शुरू कर चुकी। सूत्रों के मुताबिक सरकार एक सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाने की योजना बना रही है जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करेगी। सरकार सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक अथॉरिटी के अंदर लाना चाहती है ताकि लोग एक ही जगह से इसका फायदा उठा पाए। एक ही जगह पर सभी तरह की स्कीम्स के काउंटर होंगे जहाँ सलाहकार बैठे होंगे और आपको सही जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, निवेश स्कीम्स को लेकर बढ़ रही शिकायतों और लोगों की परेशानियों के मद्देनजर यह अथॉरिटी एक ही सेंटर से समाधान निकाल कर देगी। आपको शिकायतों के लिए जगह जगह भटकना नहीं होगा और सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले 20 सालों की योजना के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी का गठन करना चाहती है। आने वाले सालों में इस अथॉरिटी की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। तो सरकार की यह योजना है कि अगले 20 सालों में उसकी जो योजना के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी का गठन वो करना चाहती है ताकि आने वाले सालों में इस अथॉरिटी की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाएगी और साथ ही लोगों की परेशानी, लोगों की शिकायतों के मद्देनज़र ये अथॉरिटी एक ही सेंटर से अब समाधान लोगों के लिए निकाल कर देगी। इससे लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं होगा। तो सरकार की कवायद है जिससे कि लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तमाम तरीके की जो सोशल सिक्योरिटी योजनाएं चल रही हैं, इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, उनको जरूरत के हिसाब से नए रूप में ढालने की अब सरकार तैयारी कर चुकी है और सूत्रों की माने तो एक सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाने की सरकार योजना भी बना रही है और सीधे पीएमओ को ये जो अथॉरिटी बनेगी वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक अथॉरिटी के अंदर लाना चाहती है ताकि लोग एक ही जगह से इसका फायदा भी उठा पाए। एक ही जगह पर सभी तरह की स्कीम्स के काउंटर्स होंगे जहां सलाहकार बैठे होंगे और आपको सही जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, निवेश स्कीम्स को लेकर बढ़ रही शिकायतों और लोगों की परेशानियों के मद्देनजर ये अथॉरिटी एक ही सेंटर से समाधान निकाल कर देगी और शिकायतों के लिए जगह जगह लोगों को भटकना नहीं होगा। प्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए अथॉरिटी बनाने की जो सरकार की कवायद है, इसकी पूरी प्रक्रिया प्रकाश क्या रहेगी, किस तरीके से इससे फायदा पहुंचेगा? देखिए कि बड़ी पहल की जा रही है सरकार की तरफ से और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रधानमंत्री इस पे खुद दिलचस्पी ले रहे हैं और जिस तरीके से सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उसको प्रमोट कर रही है उसके मद्देनजर ये कोशिश की जा रही है कि आम आदमी को जल्दी उसका फायदा दिया जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा परेशानी न हो। इसको लेकर कुछ ऐसी ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिसमें एक ही रुख के तहत हर तरह की जानकारी और हर तरह की इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से संबंधित जो भी जानकारी है वो लोगों को मिले। इसको देखते हुए एक सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाने का विचार किया जा रहा है जिसके तहत सरकार की कोशिश ये है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनको एक अम्ब्रेला के तहत लाया जाए। जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एज इट इज काम करेंगी लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जो ग्रीवियंसेस है लोगों के, वो एक अम्ब्रेला के तहत मिलेगा ताकि जो अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है और लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि उनकी उम्र और उनकी जरूरत के हिसाब से कौन सा स्कीम उनको लेना चाहिए, तो लोगों को काफी दिक्कतें होती है और उसमें उन्हें अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग कंफ्यूजन में एडवाइजरी जो फॉर्म्स हैं उनके पास चले जाते हैं और एडवाइजरी फॉर्म्स का मेन फोकस इस बात पे होता है कि वो उनसे ज्यादा से ज्यादा फी वसूलें और उन्हें सही जानकारी उनको नहीं दे पाते हैं, तो लोगों की काफी दिक्कतें होती है। सरकार की कोशिश ये है कि जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस इंडिया में आने वाले 20 सालों के अंदर होंगे तो उसको देखते हुए उसकी पॉलिसी अभी से बनाई जाए और एक सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाई जाए जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करेगा और इसकी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री खुद रखेंगे और उनके ऑफिस से इसकी जानकारी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से जहां एक बस में आग लगी है। जी हां, बस में आग लगने की फिलहाल खबर मिल रही है और ये तस्वीरें भी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नोएडा में एक बस में आग लगी, यूपी रोडवेज की ये बस है। तो फिलहाल आग लगने की वजह क्या है ये सामने नहीं आ पाया है लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये घटनास्थल की है जहां यूपी रोडवेज की बस में आग लग गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर।
तो चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में आज चौथे दिन भी गिरावट का दौर जारी रहा। कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी ने 7,700 के स्तर को भी तोड़ दिया था। हालांकि कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 7,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज सेंसेक्स 128 अंक और निफ्टी 40 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। मेटल, रियल्टी, ऑटो और पावर शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बीएसई इंडेक्स के सभी सेक्टर्स इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुए। जो सबसे बड़ा फैक्टर आज बाजार पर भारी पड़ रहा है वो है मॉनसून को लेके असमंजस। ये जो शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फेज आया है बाजार में, इसके पीछे मुख्यतः ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का करेक्शन होना मेरे ख्याल से एक बड़ा कारण रहा है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स भी अगर आप देखिए तो वो भी बड़े वीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिगरेट पैकेट पर पिक्टोरियल वार्निंग हटाने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े सभी मामलों को बेंगलोर हाई कोर्ट को भेज दिया और 8 हफ्ते के अंदर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहां इन याचिकाओं को लेकर क्यों आए हैं, आपको किस फैसले को चुनौती देनी है। ये माना जाता है कि तंबाकू कंपनियां जिम्मेदारी से काम करती हैं और जागरूकता बढ़ाने से तंबाकू के प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से सिगरेट पैकेट के 85% हिस्से पर पिक्टोरियल वार्निंग जरूरी करने का निर्देश दिया था, जबकि पहले 40% हिस्से पर ही पिक्टोरियल वार्निंग जरूरी थी। तंबाकू एसोसिएशन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। कंपनियों की दलील है कि ऐसा करने से उनके बिजनेस को नुकसान होगा।